आदाब नाज़रीन, गर्मी हो, सर्दी हो या फिर बरसात, आपकी होस्ट समरीन हमेशा आपके लिए हाजिर है कुछ लम्हे फुर्सत के लेकर। देखिए, हमारा ये जो प्रोग्राम है ये जानकारियों से भरपूर है, बस ज़रूरत है तो थोड़ी सी तवज्जो की। और हमें ये भी उम्मीद है कि आप हमारा ये प्रोग्राम देखते भी हैं और इसे सराहते भी हैं, तभी तो हर हफ्ते हम आपके लिए हाजिर हो जाते हैं। तो चलिए बाकायदा आगाज़ करते हैं आज के इस प्रोग्राम का, और सबसे पहले हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए। दुनिया की आधी आबादी कहलाने वाली, अपने हर रिश्ते को रंगों से भरने वाली एक औरत को अपने ही छोटे छोटे ख्वाबों को पूरा करने के लिए इस समाज में कितनी जंग लड़नी पड़ती है, इसका अंदाजा तो शायद सिर्फ एक औरत ही लगा सकती है। ऐसी ही दास्तान है विमेन एंड चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट, यूनिसेफ और कई इंटरनेशनल जर्नल की ब्लॉगर भाग्यश्री सैनी की। राजस्थान के छोटे से शहर खेतड़ी से ताल्लुक रखने वाली भाग्यश्री सैनी ने अभी अपनी जिंदगी के ख्वाब देखना शुरू भी नहीं किया था कि बाल विवाह प्रथा के तहत छोटी उम्र में ही शादी कर दी गई। पर बहुत जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि उनके ख्वाबों की मंजिल नहीं, और फिर वो वापस आ गई। घर वालों का साथ न मिला तो जयपुर चली आई, नौकरी की और आगे की पढ़ाई फिर से शुरू की। लोगों की तीखी नजरों का सामना करके भी 11 सालों तक एक लंबी लड़ाई के बाद खुद को शादी नाम के इस बंधन से आजाद कराया। वो अपने आप को चाइल्ड मैरिज सर्वाइवर कहती है। पढ़ाई के दौरान एनसीसी ज्वाइन की, बेस्ट कैडेट बेस्ट शूटर का अवार्ड भी हासिल किया। आज वो राजस्थान के कई शहरों में एक संस्था चला रही है। इसके तहत वो ड्रॉप आउट लड़कियों को दोबारा पढ़ने के लिए मोटिवेट करती है और उनकी हर तरह से मदद भी करती हैं। उन्हें वुमेन अचीवर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। सिविल सर्वेंट बनने का ख्वाब है ताकि सामाजिक बुराइयों से लड़ा जा सके। भाग्यश्री सैनी हर उस लड़की के लिए एक मिसाल है जो तमाम दुश्वारियों का सामना करके खुद की एक पहचान बनाना चाहती है। नाज़रीन, ये बात बिल्कुल सच है कि शादी एक बेहद खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन अगर वक्त पर की जाए तो। हालांकि सरकार ने भी शादी की एक उम्र तय कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी बाल विवाह की प्रथा जारी है, जैसा कि हमने अपनी इस मोटिवेशनल स्टोरी में भी देखा। तो चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आज सबसे पहले बात करेंगे पेट की। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पेट रखते हैं, उनके शौकीन भी होते हैं। पेट कहाँ से खरीदे जाए और उनका ख्याल कैसे रखा जाए, यही आज हमें बताएंगी नम्रता जी। इसके अलावा हम बात करेंगे स्किन केयर से जुड़ी एक बार फिर से डॉक्टर रंजू से, उनसे हमने बहुत सी जानकारी पिछली बार भी हासिल की थी। और सबसे आखिर में एक बार फिर से स्पेशल चाइल्ड नीड की बात होगी डॉक्टर वैदही जी से। तो चलिए ये सब जानने के लिए चलते हैं स्टूडियो से बाहर। नाज़रीन, घर में लोग पेट्स पालना पसंद करते हैं, ये बहुत से लोगों का शौक भी होता है और कुछ लोग इसे सुकून के लिए और अपना अकेलापन दूर करने के लिए भी पालते हैं। वैसे मार्केट में काफ़ी महंगे पेट्स मौजूद हैं, लेकिन अगर हम एक पेट को खरीद रहे हैं, उसे घर ला रहे हैं, तो उसे पालने में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और उनका ख्याल हम कैसे रखें, यही सब बातें जानने के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं नम्रता जी के पास, जो एक बहुत बड़ी पेट लवर है और एक NGO से भी जुड़ी हुई है। तो आइए करते हैं उनका खैर मकदम। नम्रता जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। जैसे कि हमने देखा कि आपके घर में काफी पेट्स हैं और आप काफी बड़ी पेट लवर नजर आती हैं। अगर मुझे कोई पेट खरीदना है तो मैं कहाँ से खरीदूँ, मतलब किसी पेट शॉप पर जाऊँ या किसी ब्रीडर से खरीदूँ? देखिए, ये आपके ऊपर है कि आप पेट शॉप से खरीदना चाहते हैं या आप एक ब्रीडर से खरीदना चाहते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी या मैं लोगों को ये सजेस्ट करना पसंद करूँगी कि आप डोंट शॉप, एडॉप्ट। अगर आप पेट लवर हैं, आपको जानवरों से प्यार है, तो आप उन्हें खरीदें ना, आप उन्हें जो है एडॉप्ट करें। अच्छा। अगर आपको ब्रीड से प्यार है तो आप ब्रीड को भी एडॉप्ट करें, आप इंडिस को एडॉप्ट करें, आप बस खरीदे ना, आप उनको एडॉप्ट कर सकते हैं। बट आपके ऊपर है, ये आपकी मर्जी है कि आपको वो कहाँ से खरीदना है। आप पेट शॉप से भी खरीद सकते हैं, आप एक ब्रीडर से भी खरीद सकते हैं। नम्रता जी, आपने ये तो बता दिया कि हम कहाँ से पेट खरीदें, अब पेट खरीद भी लिया, किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है? आप
उनकी वैक्सीनेशन का सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है, उनकी वैक्सीनेशन का आप ध्यान रखें कि उनको टाइम टू टाइम आप उनको वैक्सीनेशन दे रहे हैं, वैक्सीन करा रहे हैं। फिर आप उनको ध्यान दीजिए, उनके खाने पीने का ध्यान दीजिए। अगर आप एक छोटा पपी लेकर आ रहे हैं, 3 मंथ्स का लेकर आ रहे हैं, सबसे पहले तो आप कोई अगर पपी लेकर आते हैं तो वो 3 मंथ से नीचे बिल्कुल मत लेकर आइए, क्योंकि 3 मंथ से नीचे जो है बहुत जो है पपी को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है सर्वाइव करने में, और बहुत चीज़ों में उसको बहुत दिक्कत आती है। तो मैं कहूँगी आप 3 मंथ्स का पपी लेकर आइए, उसके बाद आप उसकी वैक्सीनेशन का सबसे पहले ध्यान दीजिए, उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन कराइए, और वैक्सीनेशन से पहले आप उनको घर से बिल्कुल बाहर ना निकालिए। अच्छा, बिल्कुल वैक्सीनेशन जैसे वेट उनको सजेस्ट करते हैं वैक्सीनेशन कैसी होनी चाहिए, पहले 9-in-1 लगता है और इनको एंटी रेबीज लगता है, फिर इनको इनका जो है बूस्टर डोज लगता है, आफ्टर अ मंथ इनको बूस्टर डोज लगता है। तो आप उसके बाद इनको जो है वैक्सीनेशन के बाद उनके हर ईयरली रिपीट होती है, वैक्सीनेशन ईयरली रिपीट होती है, तो आप जो है उनको ध्यान दीजिए, वैक्सीनेशन पे ध्यान दीजिए, और उनके खाने पीने का कि अगर आप छोटा पपी लेकर आ रहे हैं तो आप उनको सेरेलैक पे लेकर आइए सबसे पहले, फिर आप उनको घर के खाने पे लेकर आइए। तो इन चीज़ों का, खाने पीने का और वैक्सीनेशन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। नम्रता जी, आपने हमें बताया कि इनके मतलब खाने पीने का कैसे ध्यान रखना चाहिए, और इसी के साथ इनको क्या क्या इनकी वैक्सीनेशंस हैं, और इनका एक हेल्थ कार्ड भी होता है। अभी अगर हम वेजिटेरियन हैं और बाय डिफॉल्ट ये तो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो क्या इन्हें वेजिटेबल्स पर भी हम पाल सकते हैं, या पैक्ड फूड भी बाजार में आते हैं, ये उनके लिए ठीक है या नहीं? आप इनको वेजिटेरियन फूड पे भी लेकर आ सकते हैं, और आप अगर वेजिटेरियन खुद हैं तो इनको वेजिटेरियन फूड देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से डॉग्स होते हैं जो नॉनवेज खाना पसंद ही नहीं करते, आप उनको जितना मर्जी आप खिलाएंगे वो या तो वॉमिट कर देते हैं या उनको जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो आप इनको वेजिटेरियन फूड पे आप बिल्कुल रख सकते हैं, आप इनको कर्ड पे रखिए, आप इनको दूध पे रखिए, बट दूध जो है इट्स लाइक अ पॉइजन, कि अगर आप इनको दूध भी दे रहे हैं तो दूध में आप जो है वाटर का इनटेक कीजिए, आप वाटर मिक्स कीजिए, तब आप इनको दूध दे सकते हैं। अदरवाइज आप इनको जो है वेजिटेबल्स पे रखिए, ये वेजिटेबल्स भी खुश होकर खाते हैं। जो डॉग्स नॉनवेज खाना नहीं पसंद करते वो वेजिटेबल्स भी खाते हैं, लाइक पम्पकिन खाते हैं, आप उनको राइस में बॉयल करके और खिचड़ी बनाकर या दलिया में आप उनको मिक्स करके आप उनको वेजिटेबल भी दे सकते हैं। आप उनको कर्ड पे रखिए, वो कर्ड खाना बहुत से डॉग्स जो है कर्ड खाना पसंद करते हैं। प्लस आप इनको जैसे समर्स हैं तो आप इनको समर्स में जो है आप इनको छाछ वगैरह दे सकते हैं, बट अवॉइड मिल्क, अवॉइड शुगर एंड सॉल्ट, आप शुगर एंड सॉल्ट नहीं आप इनको दे सकते, इनको बिल्कुल सूट नहीं करता और इनके लिए वो चीज़ नहीं बनी है। बाकी आप जो है आप इनको वेजिटेरियन फूड आप कुछ भी दीजिए, बट आई एक और चीज़ मैं बोलूँगी, आप अवॉइड प्रिजर्वेटिव फूड्स, आप पैक्ड फूड मत दीजिए, क्योंकि पैक्ड फूड ही होता है, वो कई चीज़ों को मिक्स करके बनाया जाता है, वो कई टाइम से जो है वो चीज़ पैक्ड होती है, वो कितने टाइम से उसके अंदर पैक्ड है वो हमें भी नहीं पता, बस वो उसमें फ्लेवर्स डाल देते हैं जो इनको खुद को अच्छे लगते हैं। बट आप पैक्ड फूड अवॉइड कीजिए, और आप जितना हो सकता है आप इनको घर की डाइट पे रखिए। अगर वेजिटेरियन है तो आप वेज फूड दीजिए, आप कर्ड दीजिए, वो खाएंगे खुश होकर कर्ड खाएंगे, छाछ पिलाइए, गर्मियों में आप इनको छाछ पिलाइए, तो आप इनको जो है वेजिटेरियन डाइट पे आप इनको रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मोर ओवर अगर आपको लगता है कि अगर ये एग खाते हैं, बॉयल्ड एग खाते हैं फॉर अ मतलब इनकी डाइट अगर आपको अच्छी रखनी है, तो आप इनको डाइट पे एक बॉइल्ड एग आप दे सकते हैं, बट अगर वेजिटेरियन है तो आप इनको कर्ड वगैरह दे सकते हैं। नम्रता जी, बहुत से लोग क्या करते हैं अपने पेट्स को मीठा दे देते हैं, तो ये कहाँ तक सही है, क्योंकि ऐसा भी सुना जाता है कि इनके बाल झड़ने लगते हैं मीठे से, क्या ये ठीक है? देखिए, मीठा देना कोई गलत चीज नहीं है, बट हाँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति हर चीज की बुरी है। अगर आप उसको किसी चीज को आप अति एक्सेसिव उसमें मात्रा में दे रहे हैं तो वो हमारे वो डॉग्स के लिए क्या, वो एक ह्यूमन के लिए भी जो है वो बहुत ही हार्मफुल होगी। नहीं है। आप इनको ट्रीट एज अ ट्रीट, आप इनको जैसे समझ हैं तो आप इनको ट्रीट दे सकते हैं कि आपने इनको आइसक्रीम खिला दी, बट इनके लिए चॉकलेट्स, बेरीज, नट्स, ओके, ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं देना, हाँ, इनको बिल्कुल सूट नहीं करता है और इनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। आप इनको चॉकलेट्स मत दीजिए बिल्कुल भी, इनको नट्स वगैरह मत दीजिए, ये इनके लिए नहीं है। आप इनको वनीला आइसक्रीम दे सकते हैं, वो भी आप मंथ में सिर्फ एक बार एज अ ट्रीट, समर्स में इनको आपने एज अ ट्रीट इनको दे दिया, अगर समर्स में दे दिया, बट आप मीठा अगर आप खुद खा रहे हैं, आपके घर में कोई मिठाई आई है, आप लोग खुद खा रहे हैं, तो आप अगर आपका डॉग आपके पास खड़ा है, बैठा है, तो आप उसको हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है हर दूसरे दिन आप उसको मीठा नहीं दे सकते हैं, बट हाँ, थोड़ी ग्लूकोज की मात्रा
पेट में भी जानी चाहिए, वो अच्छा होता है, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, आप हर चीज जो है एक्सेस में मत दीजिए। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हम कोई पेट अपने घर में मतलब लाए हैं तो वो हमारे घर का एक सदस्य, एक मेंबर की तरह ही बन जाता है, तो उसका खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नम्रता जी, इतनी देर हमने बातें करी यहाँ पर बैठकर, तो आपकी जो पेट हैं ये आसपास ही थे हमारे ये नहीं छोड़ते, बिल्कुल ये नहीं छोड़ते हैं जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अगली मरतबा फिर हम आपके पास आएंगे और पेट से जुड़ी कुछ और बातें जानेंगे। शुक्रिया आपका। नाजरीन, पिछली दफा हमने डॉक्टर रंजू से जाना था स्किन केयर के बारे में, आज कुछ और जानकारी हासिल करने के लिए हम फिर से डॉक्टर रंजू से रूबरू हैं। पिछली बार हमने आपको चेहरे के रखरखाव के बारे में, बाहरी रखरखाव के बारे में बहुत कुछ बताया था, इस बार मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा डाइट के बारे में जानिए। आज हम जानेंगे कि स्किन की केयर के लिए और बालों की केयर के लिए किस तरह की डाइट लें। डाइट में जो बेसिक डाइट है जो स्किन को हेल्प करती है, उसमें विटामिन ए, सी और ई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विटामिन ए हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो विटामिन ए के प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में है, उसमें गाजर एक बहुत इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल, और गाजर के अलावा पपीता है। स्किन के लिए हम ग्रीन वेजिटेबल्स की बात करते हैं, हम विटामिन सी रिच फ्रूट्स में सारे सिट्रस फ्रूट्स की बात करते हैं, आंवला है, कस्टर्ड एप्पल है, इनकी बात करते हैं, सीताफल की बात करते हैं। और जैसे ही आपने डाइट सब्जी में ली या फ्रूट में ली, उसके अलावा आप जूसेस में भी अपने डाइट को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। डॉक्टर रंजू, आपने फ्रूट जूस की बात की, क्या फ्रूट जूस के अलावा भी कोई और जूसेस लिए जा सकते हैं? जूसेस में ऑल रेड जूसेस विच आर आयरन रिच विल हेल्प योर स्किन, और वो आपके बालों पर भी बहुत अच्छा असर दिखाएंगे। जैसे गाजर है, पोमग्रेनेट है या अनार का जूस है, बीटरूट एक बहुत अच्छा सोर्स है जिसे आप अपने जूस फॉर्म में जिसे ले सकते हैं। बेस्ट एक मिक्स फ्रूट जूस है, उससे भी बेटर एक वेजिटेबल जूस है जिसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। जो पदार्थ हमारे स्किन में हेल्प करेंगे या हमारी बॉडी में जो पदार्थ हेल्प करते हैं खाने पीने के, उसमें रंग, जितना ज़्यादा रंग होगा पदार्थ में, वो आपके स्किन हेयर पर ज़्यादा अच्छा असर दिखाएगा। तो गाढ़ी रंग वाली चीज़ें जो हैं, अगर आप एक ग्रीन कलर का वेजिटेबल पिकअप करते हैं या एक रेड कलर का फ्रूट पिकअप करते हैं, तो उसमें जो रंग है वो आपकी त्वचा को मदद कर रहा है। इसलिए कोशिश करिए कि अपनी डाइट इन चीज़ों में इम्प्रूव करिए। ड्राई फ्रूट्स के बारे में कुछ बताएं। जनरली जो ग्रेन्स हैं, लेग्यूम्स हैं, नट्स हैं, नट्स एक बहुत अच्छा सोर्स है जो आपके स्किन को इम्प्रूव करता है। नट्स में आमंड्स सोक्ड ओवरनाइट, पील्ड नेक्स्ट मॉर्निंग सबसे आसान तरीका है, और हिंदुस्तानी परिवारों में बहुत इस्तेमाल भी किया जाता है। बादाम को छीलना ये बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इस्तेमाल करने से पहले याद रखिए कि अगर आप ओवरनाइट सोक कर रहे हैं उसे छील कर ही खाएँ। वॉलनट्स या अखरोट बहुत अच्छा सोर्स है, ना केवल ये जोड़ों के लिए अच्छा है बल्कि ये स्किन में बहुत अच्छा है। इन सभी पदार्थों को, कई लोग हमसे पूछते हैं, इन सभी पदार्थों को हम अगर एक पैक फॉर्म में इस्तेमाल करें या स्किन पर डायरेक्टली लगाएं तो ज़्यादा अच्छा असर है, या अगर हम इन्हें खाएं तो ज़्यादा अच्छा असर है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जहाँ हम लगाने की बात करते हैं, कई बार एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो बहुत लोकलाइज्ड है, जिस पर लगाने से ज़्यादा असर होगा, लेकिन अगर आप एक पदार्थ से स्किन के अलावा अपनी पूरी बॉडी पर बेनिफिट्स चाह रहे हैं तो उसे ओरली लेना वो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि जब हम कुछ खाते हैं तो वो स्पेसिफिकली आपके स्किन को हेल्प नहीं कर रहा है, वो आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स को हेल्प कर रहा है। डॉक्टर रंजू, स्किन केयर की अगर बात करें तो पिंपल, एक्ने, पिगमेंटेशन और बालों का झड़ना, इन्हें रोकने के लिए क्या किया जाए, कैसे केयर करें? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम्स जो हम देखते हैं, एक्ने या मुहासे, पिगमेंटेशन या चेहरे पर झाइयाँ होना, और बालों का झड़ना, ये तीन प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हमारे पास पेशेंट्स काफ़ी आते हैं। और इनके सॉल्यूशंस के बारे में, जिस तरीके से आप इन तीनों प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। मुहासों के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट थोड़ी सी ऑयल फ्री रखें। ये उन बच्चों के लिए है जो 13 साल की उम्र से मुहासे नज़र आ रहे हैं। 13 साल से 25 या 26 साल तक आपको मुहासे होंगे। जीवन का ये काफ़ी लंबा टाइम है जिसमें आपको थोड़े से प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी हैं। डाइट में हम कहते हैं कि आप अपना ऑयली फूड कम लीजिए, चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट,
पेस्ट्रीज, नट्स अपने बच्चों से कहिए कि हाँ ये थोड़ी अब कम क्वांटिटी में लेना पड़ेगा, जितना आपका सिर पर तेल कम है उतना एक्ने होने के चांसेस कम है, डैंड्रफ आपका कंट्रोल में होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो तो स्किन पर एक्ने प्रॉब्लम्स या और ग्लो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, और बहुत ज़रूरी है कि हम अपना फेस फ्रीक्वेंटली वॉश करें। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन मैं हमेशा कहती हूँ कि ब्लड प्रेशर की तरह है, जैसे हम ब्लड प्रेशर के लिए एक रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं, पिगमेंटेशन जब एक बार स्किन पर नज़र आता है तो उसके उसका ध्यान हमें थोड़े थोड़े समय पर रखना ही पड़ता है। आप कहें कि आपके डॉक्टर ने आपको एक ट्यूब दी और आपकी झाई 15 दिन में हट गई और फिर कभी नज़र नहीं आई, बहुत मुश्किल है। बालों का झड़ना, जिस डाइट के बारे में हमने आपको बताया और एक नॉर्मल बैलेंस्ड लाइफस्टाइल के बारे में बताया, वो डायरेक्टली बालों के झड़ने पर भी असर करता है। जो हेयर ट्रीटमेंट्स आप चुन रहे हैं अपने लिए वो ध्यान से लीजिए। आजकल बाल सिर्फ वो डैमेज नहीं ले रहे हैं जो हम उन्हें पार्लर में देते हैं, धूप एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, हम पूरा टाइम रेडिएशन के बीच में हैं, स्ट्रॉन्ग लाइट्स हमारे बालों पर हैं, हम लैपटॉप्स या कंप्यूटर के सामने पूरा टाइम है, हमारे फ़ोन हमारे चेहरे के पास ही हैं, तो हर तरह की रेडिएशन से बचना ज़रूरी है। आजकल जो सनस्क्रीन्स स्किन के लिए अवेलेबल हैं यूवी से लेके इंफ्रारेड रेडिएशन तक प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही आजकल कंडीशनर्स बालों के लिए भी आ गए हैं जो हर तरह की रेडिएशन से आपके बालों को प्रोटेक्ट करेंगे। डॉक्टर अंजू, ऐसा कहा जाता है कि पानी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा रहता है और रोज़ 2 से 3 लीटर पानी पीना ज़रूरी है, तो ये क्या बात सही है? मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपने टारगेट्स रखे हैं, जो कहते हैं कि हम अगर 3 लीटर या 4 लीटर पानी पीते हैं तो हमारी त्वचा पर ग्लो आता है, हमारी स्किन बेटर होती है। थोड़े साल पहले तक ये मानना था कि आप पानी बहुत पीजिए, लेकिन आजकल जो ट्रेंड है वो ये कहता है कि हमारी बॉडी में एक थर्स्ट मैकेनिज्म है, आपको जब प्यास लगती है आप पानी पीजिए, आपकी बॉडी को उतने ही पानी की आवश्यकता है, आपकी बॉडी आपको बताती है कि आपको कितना पानी चाहिए। तो आपका पूरा फोकस सिर्फ पानी पीने पर नहीं होना चाहिए, ओवर हाइड्रेशन या पानी आपकी बॉडी में बढ़ना ये भी अपने नुकसान लेकर आता है, अपने साथ लेकर आता है, तो ओवर हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पानी हम अपनी स्किन को सिर्फ ओरल फॉर्म में दें ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपने देखा होगा बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन अपने गेम्स के बीच में पानी को अपने फेस पर स्प्रे करते हैं, वाकई में अगर आप समर्स में एक वाटर कैन रखते हैं तो वाटर या पानी आप डायरेक्टली अपने फेस पर जो स्प्रे करते हैं वो भी बेनिफिशियल है। तो हाइड्रेशन इंटरनली भी है, आपके डॉक्टर आपको बहुत से ऑयल्स के बारे में बताएंगे जो आप ले सकते हैं ओरली, जो हाइड्रेट अंदर से करते हैं, बॉडी को अंदर से हाइड्रेट करते हैं, हाइड्रेशन एक्सटर्नली भी है जो बहुत हेल्प करेगा। अच्छा डॉक्टर अंजू, अगर धूप की बात की जाए तो आजकल धूप बहुत तेज है और हम इससे बचते भी हैं, तो क्या ये सही है? इंडियंस को सनलाइट की कमी नहीं है, हमें सनलाइट एक्सपोजर बहुत मिलता है, बस ये मत करिए कि आप सन से बिल्कुल बचिए, जो आप अपने नॉर्मल डेली लाइफ में सन में हैं उससे जो सन एक्सपोजर आपको मिल रहा है दैट इज़ गुड इनफ। वो ज़रूरी है कि वो सन आप ज़रूर लें, उतना सन हर बॉडी को चाहिए, और जो सनलाइट है वो अपने बेनिफिट्स अपने साथ लेकर आता है, तो सन को बिल्कुल कटआउट मत करिए अपनी लाइफ से, सन के इफ़ेक्ट्स अपनी लाइफ में रहने दीजिए। इन सब बातों के बाद मैं यही कहना चाहूँगी कि हमने छोटे छोटे आपको नुस्खे बताने की कोशिश की है जिससे आप अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में यूज़ कर सकें। कोशिश करिए कि आप इन सबको इनकॉर्पोरेट करें और वो ग्लोइंग स्किन या वो ग्लोइंग कम्प्लेक्शन, वो क्लियर स्किन जो आप हमेशा चाहते हैं वो आपकी हो। तो चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, पिछली दफ़ा हम वैदही जी के पास आए थे और स्पेशल नीड चिल्ड्रन के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल की थी। एक मरतबा फिर हम उनसे रूबरू होंगे। उनका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे प्रोग्राम में। अच्छा, पिछली दफ़ा आपने हमें काफ़ी चीज़ें बताई थी कि थेरेपी से जुड़ी, उनकी परवरिश से जुड़ी, और आज हम ये जानना चाहते हैं कि हुकूमत हिंद ने, हमारी सरकार ने क्या क्या स्कीम चलाई है ऐसे बच्चों के लिए। अभी राइट टू एजुकेशन है, सब बच्चे सर्व शिक्षा अभियान में, सब बच्चे जाए को डिसेबल्ड हो और नॉर्मल बच्चे हो सब स्कूल जाने के लिए कानून तो बनाया, लेकिन अक्सर सारा स्कूल्स में एडमिशन नहीं हो रहा है, नहीं तो सम काफ़ी स्कूल्स में एक सेक्शन अलग बना कर रख गया। सो इसमें बच्चे को सोशल इंक्लूशन तो हो रहा है एंड
धीरे धीरे इनको पढ़ाई भी हो जाते हैं, बच्चे खेल कूद में शामिल हो जाते हैं। इसमें क्या होते हैं ना, बाकी बच्चे को अवेयरनेस भी ज़्यादा होता है, वो एक्सेप्टेंस भी वो बच्चे के बीच में आ जाते हैं। सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारा अभी आरटी के द्वारा, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा, ये अभी धीरे धीरे स्कूल्स में आने लगे। अभी इन बच्चों को स्कूल में नॉर्मल बच्चे 10 साल में 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं, ये बच्चा 10 साल में 2nd क्लास होता है और 1st स्टैंडर्ड होता है, लेकिन बच्चे वही क्लास में हो जाते हैं, वही बड़ा इनको बच्चे को कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, मे भी स्कूल जाने के लायक है। सो इन बच्चे को बहुत बहुत खुश भी हो जाते हैं बाकी बच्चे मिलने के लिए। और दूसरा है ओपन बेसिक एजुकेशन है, वो NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, इन बच्चे के लिए एक एक सब्जेक्ट को भी वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इनको हाथ में प्रॉब्लम है, हाथ लिख नहीं पाते हो, इनको एक राइटर देते हैं, वो राइटर ये बच्चे बोलते रहेंगे, वो लेक्चर वो दूसरा पर्सन इनको लिख के जाते हैं। अच्छा। सपोज बच्चे को ब्लाइंड होता है, उन बच्चे को भी ऐसे दूसरा लिख सकते हैं। सो ऐसे अभी काफ़ी प्रोविजन्स है, काफ़ी बच्चे बहुत स्पैस्टिक हो जाते हैं, लेकिन माइंड तो बहुत इंटेलिजेंट है, वो भी इसमें एग्ज़ाम ले सकते हैं। उन बच्चे के लिए गवर्नमेंट में बहुत बड़ा प्रोविजन किया, वो घर में बैठकर भी वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो घर इनको एग्ज़ाम सेंटर हो जाते हैं। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में ये सारा प्रोविजन्स है, लेकिन ये अवेयरनेस ज़्यादा हमको देना पड़ेगा लोगों को, हमारा बच्चे भी ये एग्ज़ाम्स में हो सकते हैं। सपोज 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, बच्चे कम से कम 8वीं तक वो पास हो जाते हैं, एटलीस्ट एक से 10 तक गिनने लायक है, तो वो छोटा दुकान में भी वो काम कर सकते हैं। थोड़ा हम लोग मनी कॉन्सेप्ट बोलते हैं और गिनने के लिए कॉन्सेप्ट बोलते हैं, रात दिन ऐसे कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ये क्या फ्रूट फल क्या है, वेजिटेबल क्या है, वो समझा सकते हैं, फिर उन लोगों का एम्प्लॉयमेंट इसी में हो जाते हैं। अच्छा, सो उनको हम कुछ ये लोग कर पाएगा लाइफ में, वो अपने पैर में वो लोग खड़े रह सकते। जी जी जी, आपने काफ़ी कुछ ये बातें तो हमें बताई हैं। अच्छा, अगर बात करें कि इनको आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, तो और क्या क्या कदम उठाया जाए कि आत्मनिर्भर बने और एक आसान जिंदगी, एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने की कम से कम कोशिश तो कर सके। इन बच्चों को मेरे हिसाब से हमने इंस्टीट्यूशन द्वारा बड़ा बड़ा होटल में भी, लॉन्ड्री में भी हमने डाल दिया, कोई इन बच्चों को 1 से 10 तक गिन सकते हैं, वो टॉवल्स गिन के वो शेल्फ में रख सकते हैं और बेडशीट्स गिन के रख सकते हैं, वो आसान से 10,000 भी बड़ा बड़ा होटल में भी काम कर सकते हैं। अच्छा। और दुकान भी छोटा सा दुकान अभी गवर्नमेंट उनको सुविधा दे रहे हैं, 50,000 दे रहे हैं गवर्नमेंट, वो छोटा सा किसान दुकान खोल कर उनको उसमें बैठ कर वो बिजनेस भी कर सकते हैं। सो उन लोगों के डिसेबिलिटी पेंशन भी मिलते हैं, ये इनको एक टाइम नॉन रिकरिंग का पैसा भी मिल जाते हैं। अच्छा। काफ़ी लोगों को एक छोटा सा फोटोस्टेट कॉपी भी लगा सकते हैं, और उन दिनों में बहुत एसटीडी बूथ लगाते थे, अभी आजकल मोबाइल आते हैं वो एसटीडी बूथ बंद हो जाते हैं, लेकिन अभी ये बच्चे थोड़ा थोड़ा टेक्निकल में भी आ रहे हैं। ये मानसिक रूप का बच्चे है ना, एक ही काम करते करते इनको वो अभ्यास ज़्यादा हो जाते हैं, सेम काम करते करते रहेंगे ना वो इसमें स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। अच्छा। लेकिन वो जल्दी के अर्ली में इनको आइडेंटिफाई करना, इनको पहचान करना, इसको क्या आता है, सो इसका वो इसको हम फाइंड आउट करने के बाद इनमें हम ट्रेनिंग देना पड़ेगा। वो सारा अभी गवर्नमेंट के पास एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक रिसोर्स सेंटर खोल रहे हैं। अच्छा। काफ़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो है, बट आजकल बहुत बड़ा हमारा देश है, हर हर कोने में वो नहीं होते हैं, लेकिन एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक रिसोर्स सेंटर बनाने में इन लोगों का सुविधा उसमें मिल जाएगा, ताकि वो लोग 18 साल हो गए या 20 साल होने के बाद कुछ वो लोग कर पाएगा। इस तरीके के जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उनको इस तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, कुछ काम कर सकें, एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर सकें। लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि मान लीजिए इस तरीके का कोई बच्चा है, इंसान है, उसने कोई काम शुरू किया, तो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल इंसान ना उसके पास जाने में फिर भी झिझकता है, एक हेजिटेशन होती है। मान लीजिए मैं फ़ोटो स्टेट कॉपी कराने जा रही हूँ, फिर भी मैं सोचूंगी अरे यहाँ ना जाके कोई दूसरी शॉप पे चली जाऊं, तो ये हमारी सोच है, हम इसे कैसे बदलें?
हम लोग क्या है डिसेबिलिटी देखने में बेचारा यूजते हैं एक्चुअली, वो हम सिंपथी इनको नहीं जाना, हमें इनको एम्पथाइज करना पड़ेगा. सो उनको हम शूज में जाके इनको क्या प्रॉब्लम है, हम कैसे इनको, वो लोग नो मदद भी नहीं चाहते हैं, उनको राइट्स के लिए वो हम लोग काम करना पड़ेगा. एंड हम इतना भी कोशिश कर रहे उन बच्चे के ऊपर, उन इन व्यक्ति के ऊपर, वो भी अंदर से होना पड़ेगा, मैं फाइट करूँ मेरे हक के लिए. सो वो भी हमारा ड्यूटी है, हम स्कूल टीचर्स है, हम सोशल वर्कर्स है, हम इन लोगों का वो ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा. एंड ट्रैवलिंग भी करते हैं अभी काफ़ी लोग व्हीलचेयर के द्वारा ट्रेनिंग, काफ़ी हम लोग कुतुब मीनार जा सकते हैं या बकाइस टेम्पल जा सकते हैं, लेकिन उन बच्चों को जाने के लिए बहुत प्लेस भी थोड़ा रैंप होना पड़ेगा. एंड इन लोगों का भी आपने बोला बाकी लोग ऐसे इनको देखेंगे अच्छा नहीं लगता है. सो वो सारा अब इतना हम लोगों को ये भी हमारा समाज का है, ये भी हिस्सा है. सो हम लोग इनमें ऊपर काम करना, वो अभी ज़्यादा अवेयरनेस है, इसमें कोई कमी नहीं है, धीरे धीरे ज़्यादा भी बढ़ रही है. एंड इन लोगों को थोड़ा हेल्थ पॉइंट मैंने छोड़ दिया आपको बोलने के लिए. जी. इनको एक स्कीम है, निरामया स्कीम है. अच्छा. ये इंश्योरेंस स्कीम है, मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है. इनको उन दिनों में ये बच्चे ज़्यादा तरफ 20 साल 25 साल रहते थे. अभी थोड़ा साइंस एडवांसमेंट है, सब मेडिसन्स है, हमारा लाइफ भी स्पैन भी ज़्यादा होते जाते हैं. सो इनकी वो लाइफ भी ज़्यादा होते जाते हैं. ये बच्चे बड़े होने के बाद इनका माता पिता थोड़ा बूढ़ा हो जाते हैं, उस टाइम इनको देखभाल करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं. इसके लिए सिबलिंग्स को भी, इनको भाई बहन इन लोगों को भी अवेयर करके एक इंश्योरेंस स्कीम है उसमें दाखिल करके, ताकि वो बच्चा एटलीस्ट फिनेंशियली इन लोगों का ऊपर डिपेंडेंट ना होगा. सो एटलीस्ट फिनेंशियल की सिक्योर हो जाया था, वो अच्छा हो जाता है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए. अच्छा. और डिसेबिलिटी पेंशन भी है. एंड काफ़ी स्टेट में 2,500 मिलते हैं, कुछ स्टेट में 3,000 भी मिलते हैं. सो इन लोगों का थोड़ा वो बहुत हेल्प हो जाते हैं इसी में. वैदही जी, स्पेशल नीड चिल्ड्रन के माँ बाप के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? इतना जल्दी ये माँ बाप ये प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम भी नहीं बोल सकते मैं, इनको एक्सेप्ट करना, ये हो गया है, लेकिन इतना जल्दी आप इनर स्ट्रेंथ को खींचो और प्रोफेशनल्स को अप्रोच कर लो. एंड लोग हैं आपको मदद करने के लिए, लेकिन आपको रीच आउट करना पड़ेगा. एंड आप इतना जल्दी इन प्रॉब्लम को लेके आने के बाद आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा. और 2 साल से आप थेरेपी शुरू कर लीजिए, और 1 साल से थेरेपी शुरू कर लीजिए, ताकि वो बच्चे इंडिपेंडेंट रहेगा जल्दी से जल्दी. हम लेट करने के बाद ये बच्चे को बहुत नुकसान हो जाएगा. सो माँ बाप को मनोबल बढ़ाए, और डरो मत, ये कोई मिरेकल के लिए वेट मत करना, और ये मैजिक मेरा कर्मा ऐसे सोचकर बैठना मत. आगे कदम उठाकर इन बच्चे के लिए आपको लड़ना पड़ेगा. कितना डोर आप ना करते तो इतना डोर को आपको मिल जाएगा फल. बिल्कुल सही आपने कहा, ऐसे जो बच्चे हैं उनको यकीन की, जागरूकता की हम लोगों को और हमारे समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी ये लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे नाज़रीन को बहुत अहम जानकारी फराहम की है. नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड भी आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा. देखिए ना, हमने आपकी कितनी सारी काम की बातें आप तक पहुँचाई हैं. तो चलिए, फिलहाल के लिए अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त. अगले हफ्ते फिर होंगे आपसे रूबरू, कुछ और बातें करेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज़. जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी. दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है.